हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम। पोस्ट ऑफिस GDS का रिजल्ट आ चुका है। अब देखिए, आप इसे अपने मोबाइल पर किस प्रकार से देखोगे, इसकी मेरिट लिस्ट। आप जैसे अपने मोबाइल फ़ोन पर गूगल क्रोम ओपन करोगे, गूगल पर यहाँ पर आपको लिखना है इंडिया पोस्ट GDS। जैसे ही आप यहाँ पर लिखोगे इंडिया पोस्ट GDS, क्लिक करोगे, एक नया सा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इस प्रकार से आपको दिखेगा ये पेज, ठीक है। यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर जैसे ही थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आपको कैंडिडेट कॉर्नर दिखाई देगा। आपको यहाँ पर कैंडिडेट कॉर्नर पर नीचे की ओर आना है। आप जैसे ही इसको नीचे की ओर थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, तो आपको यहाँ पर ये लिखा हुआ दिखेगा। यहाँ पर ध्यान से देखो, आपको लिखा है यहाँ पर GDS ऑनलाइन इंगेजमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस वेबसाइट पर अभी एक न्यू अपडेट जोड़ा गया है, GDS ऑनलाइन इंगेजमेंट। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, जैसे इस प्रकार आप इस पर क्लिक करेंगे, तो देखो यहाँ पर ये पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी। आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो देखो ये लिस्ट आ गई है। यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर देखो ये आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल, ये इतने स्टेट के। अब यहाँ पर देखो कितने स्टेट हैं यहाँ पे, यहाँ पर 12 राज्यों का मेरिट लिस्ट, जो कि इंडिया पोस्ट GDS का जिन बच्चों ने फॉर्म डाला था वो यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हुए हैं। अब बात ये आती है कि ये लिस्ट को डाउनलोड करेंगे कैसे। तो आप यहाँ पर किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं या फिर किसी भी स्टेट की मेरिट लिस्ट देखना चाहते हैं, तो आप प्लस के आइकॉन पर क्लिक करें। जैसे कि हम गुजरात से हैं, गुजरात की लिस्ट देखते हैं। यहाँ पर हमने क्लिक किया और हमको ये लिस्ट पूरी तरह से डाउनलोड हो जाएगी और हमें ओपन करने का ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे हमने इसको ओपन किया, हमको यहाँ पर सब कुछ बता दिया गया है। इसको आप ऐड को हटा सकते हैं। यहाँ देखो, हमने ये लिस्ट पूरी तरीके से डाउनलोड कर लिए और यहाँ पर ये पूरा बता दिया गया है कि कितने कैंडिडेट इस गुजरात में सिलेक्ट हुए हैं। अब देखो, गुजरात की पहली जो शॉर्ट लिस्ट आई है उसमें कितने कुल टोटल स्टूडेंट हैं हम अभी देखते हैं। ये लगभग जा रही है 2000 से भी ज़्यादा, आई थिंक। अब देखो इसका लास्ट नंबर हम देखते हैं, इसका लास्ट नंबर यहाँ पर बता रहा है 2030, मतलब कि 2030 बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। ये पहली मेरिट लिस्ट है, इसका हाईएस्ट कट ऑफ इस लिस्ट का गुजरात स्टेट में 95-96 दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, तो इस प्रकार से आप इस लिस्ट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना नाम देखिए और कमेंट करके बताइए, अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ है तो आप बिल्कुल हमें बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर हाईएस्ट कट ऑफ यहाँ पर 96 दिया है। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर आपको आराम से दिख रहा है 96-98 गया है और मिनिमम गया है 85-84 तक, ठीक है, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये कट ऑफ और डिक्रीज़ होगा, आप टेंशन मत लो, इसकी लगभग 5 से 6 लिस्ट जनरेट होगी, ठीक है। इस प्रकार आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं और अगर आपका नाम आ जाता है तो बहुत बहुत बधाई है, हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको अगले वीडियो में ये बताऊंगा कि इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तब तक आप बने रहिए। ऑल द बेस्ट।